तो उसका मजा कुछ और होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये ऐसे इस अगर हम मान लीजिए कि एक छोटा सा मैंने बनाने की कोशिश की है, जो कि मतलब कि अच्छा, हम जब तरंग यानी वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स को कभी कभी आप विजुलाइज कर सकते हो, यानी देख सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो किस तरीके का पैटर्न बन रहा है वहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो वेव्स होते हैं यानी जो तरंगे होते हैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे अगर हम वाटर के केस की बात करें तो वाटर में आप जो वेव्स बनते हैं उसको साधारण तरीके से मतलब देख सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और उसे बता सकते हो कि कहाँ पर कौन स्रिंग है, कौन गर्थ है, उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो वाटर के केस में। लेकिन अगर दूसरी जगह अगर हम बात करते हैं ना कि जब लाइट के केस में, क्योंकि एक लाइट भी क्या है, वेव का ही वेव नेचर को शो करता है, प्रकाश तरंग की प्रकृति को शो करता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन प्रकाश के केस में हम ऐसा नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर में तरंग होते क्या है। तो अगर मैं बताऊं कि तरंग होता क्या है, तो तरंग एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा आप टॉपिक समझ सकते हो जिसमें हम अध्ययन करते हैं कैसे इनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक ना। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि एक छोटा सा मैंने बनाने की कोशिश की है, जो कि मतलब कि ज़्यादा कोई मतलब साधारण तरीके से आप बना सकते हो। तो अगर मैं इस तरीके से वेव्स बना रहा हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये ऐसे इस तरीके से पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, ये आपके वेव्स कहलाती है यानी तरंगे कहलाती है। यहाँ पर ये तरंगे कर जा रही है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है एक प्लेस से, क्योंकि ये आप जो देख रहे हो तरंगे इस तरीके से जा रही हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी अपने साथ लेकर आ रही है। उसे आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे ना कि ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे कि आप अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अभी जो तरंगे हैं अगर हवा चलने लगे तो तरंगे जो हैं बहुत तेज़ी से आएंगी हमारे तरफ, आएंगी कि नहीं। तो क्या होगा कि मान लीजिए तरंगे अगर आराम से ऐसे ऐसे आएंगी, वो लहरें कहलाती हैं, तो मुझे थोड़ा सा हिट करेंगी, लेकिन वही तरंगों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से आ रहा है इस तरीके से, देन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी और हमें वो ज़्यादा हिट करेंगे, यानी मैं मतलब कि ये भी हो सकता है कि मेरे पैर ऐसे घिसक जाए, है कि नहीं। तो इससे मतलब कि आप थोड़ा सोच सकते हो कि जो तरंगे होती हैं वो क्या करती है ना कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, ऐसे एनर्जी आएंगी मुझे हिट करेंगी, है कि नहीं, क्योंकि तरंगे इस फॉर्म में चलेंगी। तो ये पानी की जो पानी में जो तरंगे बनती हैं, यानी जो पानी में जो वाटर में जो वेव्स बनते हैं उसको आप विजुलाइज कर सकते हो इस तरीके से, ये जो बन रही हैं ये तरंगे बनते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब इसी को लेकर के हम बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि वेव से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, वेवलेंथ क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के बारे में समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि व्यतिकरण एक ऐसा चैप्टर है जो कि लाइट से रिलेटेड है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट कुछ वाटर में जो वेव्स बनते हैं उससे कनेक्ट करके हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे, तो उसका मज़ा कुछ और होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही। जाइए, पढ़िए, मज़े कीजिए।